नमस्ते, स्वागत है आपका कार देखो में, where we help you pick the right car right now. ये है Renault Captur Petrol और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 reasons why you should consider buying this car and 3 reasons to avoid it. Let's start. Before we proceed, do click on the subscribe button and the bell icon to stay up to date with all our latest videos. Captur पेट्रोल को खरीदने का सबसे पहला रीजन है ये, इसका पेट्रोल इंजन. अगर आप इस इंजन को इसके डीजल इंजन से कंपेयर करें तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये इंजन ज़्यादा स्मूथ और रिफाइन है. इतना ही नहीं, ये इजी टू ड्राइव भी है. इसका क्लच लाइट है और ये शहर के अंदर आपको बार बार गियर बदलने से बचाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपका ज़्यादातर समय ट्रैफिक में सफ़र करते वक्त या सफर करते वक्त गुजरने वाला है तो ये आपको थकान से जरूर बचाएगा. इंजन की रिफाइनमेंट भी काफी शानदार है. स्टार्ट करने पर कई बार पता ही नहीं चलता कि इंजन ऑन है. कैबिन की इंसुलेशन भी सफिशिएंट है जो आपकी ड्राइव को शांत और स्ट्रेस फ्री रखेगा. अगर आपको चाहिए एक ऐसी कार जिसे लोग पलट पलट कर देखे, जिसे देखकर आपके पड़ोसियों को लगे कि भैया आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है, तो रेनो की कैप्चर उस काम के लिए परफेक्ट है. प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग लैम्प्स, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, ड्यूअल टोन कलर स्कीम सब अवेलेबल है. ये सारे मिलकर इस गाड़ी को देते हैं एक प्रीमियम लुक. रीजन नंबर 3, वैल्यू फॉर मनी. अब ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उसकी कीमत है 11.5 लाख रुपए एक शोरूम. और इस प्राइस पॉइंट पर आपको जो फीचर्स एक्सपेक्टेड होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट सब मौजूद है. एक बात का ध्यान रखें कि कैप्चर पेट्रोल प्लेटीन वेरिएंट यानी कि टॉप स्पेक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप कुछ फीचर्स मिस कर जाते हैं. एलईडी हेडलैम्प्स और लेदर अपोल्स्ट्री की कमी आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन हमारे मुताबिक इस वेरिएंट में भी रेनो को 4 एयरबैग्स, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देने चाहिए थे. चलिए, गाड़ी के पॉजिटिव्स तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको देता हूं 3 रीजंस व्हाई यू शुड अवॉइड द रेनो कैप्चर पेट्रोल. इंजन स्मूथ है, गाड़ी चलाने में आसान है, लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. रेनो कैप्चर पेट्रोल में आपको सिर्फ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. देयर इज नो ऑटोमेटिक ऑप्शन एट ऑल. यार, अब तो रेनो की डस्टर में भी आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है. तो अगर रेनो ये कह रही है कि कैप्चर एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ना होना ठीक नहीं लगता. तो अगर आपको एक ऑटोमेटिक SUV की तलाश थी, तो आपको रेनो कैप्चर को आपके कंसिडरेशन लिस्ट से ड्रॉप करना पड़ेगा. हमने ये बात कैप्चर के कंपैरिजन रिव्यू वीडियो में भी कहा था, लिंक हम आई बटन में छोड़ रहे हैं, जरूर देखिए, कि गाड़ी बाहर से जितनी बड़ी दिखती है, अंदर से उतनी स्पेशियस है नहीं. फ्रंट सीट मेरे ड्राइविंग पोजिशन के मुताबिक सेट है और रूम इज जस्ट अबाउट इनफ. अगर सेकेंड रो में थोड़ा और स्पेस मिलता तो इट वुड हैव बिकम अ बेटर फैमिली कार, अ बेटर फैमिली SUV. गाड़ी में छोटे मोटे अर्गोनॉमिक इश्यूज भी है, जैसे कि पेडल बॉक्स बहुत ही क्रैम्प्ड है और डेड पेडल भी नहीं दिया गया है. साथ ही साथ ड्राइवर सीट की पोजीशनिंग भी ऊंची है. इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 feet से ज्यादा लंबे हैं तो आपको हेडरूम की कमी महसूस होगी. फाइनली आते हैं रीजन नंबर 3 पर, माइलेज. अगर ये एक शब्द आपकी बाइंग डिसीजन बदल सकता है तो ध्यान से सुनिए. कैप्चर जैसी भारी भरकम गाड़ी में लगा है एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और गियर बॉक्स जो है वो एक 5-speed मैनुअल है, ना कि 6-speed. शहर में चलाने के लिए इट इज परफेक्ट, नो इश्यूज. लेकिन हाईवे पर जब आप 100 की स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं, तब आपको RPM 3100 के आसपास मिलेगा. इसका सीधा असर हमें देखने मिला हमारे माइलेज टेस्ट में. हाईवे पर करीब 16 और शहर के अंदर लगभग 11 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हमें देखने मिला. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी यूजेज हैवी ट्रैफिक में है तो आपको इससे भी कम एवरेज मिलेगा. सो शुड यू बाय द रेनो कैप्चर पेट्रोल?
अगर आपको हाईवे टूरिंग के लिए एक एसयूवी चाहिए तो कैप्चर डीजल इज स्टिल द बेटर चॉइस, लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत कम है और आप ज़्यादातर सिटी के अंदर ही चलाने वाले हैं तो रेनो कैप्चर पेट्रोल इज अ वर्दी ऑप्शन टू कंसिडर। और इसके स्टाइल के क्या कहने। वीडियो खत्म करने के पहले एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, रेनो की कैप्चर एक ऐसी गाड़ी है जो शायद आपको इमीडिएटली पसंद ना आए, लेकिन आप इस गाड़ी के साथ जितना ज्यादा समय स्पेंड करते हैं वो आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है।